مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اونچی آواز میں درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام وعلى آلك وصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله رمضان المبارک دا آخری جمعۃ المبارک ہے تے ماڑی گل لے اپنے نبی تے درود پاک سوچ سمجھ کے پڑھیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت جیڑی او سوچ سمجھ کے نہیں بلکہ انے واہ ہوندی ہے اس واسطے اے ایک برکات دا فیضان ہے جتنا لٹیا جاندا لٹ لو تے کھل ڈل کے درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ
दे बनीदा मिलके लगाओ नारा अलीदा। अल्लाह ताला दी हमदो सना तो बाद ला महदूद रुद पाक साहिब लौलाक फखरे मौजूदात बाइसे तखलीक कायनात जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात सैयदुल अंबिया शाफिए रोज़े जज़ा मालिक हमदो सरा बुरहान खुदा हबीब किबरिया अहमद मुजतबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा कुर्रत आयुनिना बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम दी पाक मुनज़्ज़ा और आला बारगाह के अंदर दुरूद व सलाम दा नजराने अकीदत उल्फत और मोहब्बत पेश करने तो बाद हज़रात गिरामी खालिक कायनात दा मालिक कायनात दा लखां नहीं बल्कि करोड़ां वारी शुक्र है जिस पाक परवरदिगार आलम ने मैनू तुहानू सेहत याबी दे नाल रमज़ान मुबारक दा महीना अता कीता और रमज़ान मुबारक दे अंदर जुमातुल मुबारक दियाँ एक पुरकैफ घड़ियाँ अल्लाह ने अता कीतियाँ। दुआ करना खालिक कायनात इन्हां घड़ियाँ दा सदका इस माहे सयाम दा सदका साडा इत्थे मिल बैठना अपने बारगाह कबूल फरमाए। हज़रत गिरामी अज मैं तुहाडे सामने हज़रत मौला अली शेर खुदा का जिक्र करना है। हज़रत मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका जिक्र करना है। इब्तदा विच एक गल कर जावां अली का जिक्र एक ऐसा जिक्र है मुनाफक ने कभी किया नहीं तो आशक ने कभी छड़िया नहीं। अली का जिक्र एक ऐसा जिक्र है पहचान हो जाती है मौला अली करम अल्लाह वजहाउल करीम के जिक्र के नाल। और अगे जाके भी मैं अर्ज़ कराँगा तारीखुल खुलाफा उठाओ अलामा जलालुद्दीन सयूती दी ते आ फरमांदे ने कि सहाबा फरमांदे ने जदों असा चेक करना हुंदा सी ना बंदा मुनाफक है या आशक है बंदा मुनाफक है या आशक है ते सहाबा की करदे रहे हो सहाबा कहिंदे ने उदों जरा पहचान औखी हुंदी सी असीं उहदे सामने ना जिक्र अली करदे सां असीं उहदे सामने जिक्र अली करदे सां जिन्ने मौला अली का जिक्र सुन के सड़ जाना पता लगना इत्थे भी पै सड़दा ते अगे भी नहीं सो बचना तो जिदा सीना ठर जाना पता लगना मुस्तफा का भी गुलाम है अली उल मुर्तजा का भी गुलाम है। इस वास्ते हदीस तुहानू सुना छड़ी है तरीका तुहानू दस छड़े है कि मौला अली का जिक्र चुप करके नहीं सुनीदा। अज जिथे मैं बोलांगा उत्थे नाल नाल तुहानू भी बुलावांगा ताकि पता चले कि अली पाक के गुलाम बह के अली का जिक्र कर रहे हैं। अजीज आने गिरामी कदर कुरान मजीद फुरकान हमीद रब दियो लारैब ते बेऐब किताब है जिदे अंदर शक कोई नहीं अल्लाह ने इब्तदा के अंदर इरशाद फरमाया जालिकल किताब ला रही बाफी ए वो किताब है जिदे विच शक कोई नहीं। अजीज आने गिरामी कदर कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। अल्लाह ने फरमाया बेशक वो लोग जिन्हां ने ईमान कबूल किया ते चंगे अमल किए चंगे अमल करन वालियां दी मुहब्बत अन करीब अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देगा। वो लोग जिन्हां ने ईमान कबूल किया ते चंगे अमल किए हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस आयत करीमा के मिसदाक ने हज़रत मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम। तो अज कोई सानू बंदा आखे कि जिक्र अली क्यों करते हो दिने वेखो तो जिक्र अली रात वेखो तो जिक्र अली शमाल वेखो तो जिक्र अली जनूब वेखो तो जिक्र अली मशरिको मगरिब तुसी हर पासे अली अली करते हो क्यों अली अली करते हो तो असं कहने कुरान का फैसला जड़ा ईमान कबूल करे चंगे अमल करे तो उदे मुहब्बत लोगों के दिलों में अल्लाह पा देंदा है। और कुछ लोग आते हैं जी हम नमाजें पढ़ते हैं हम रोज़े रखते हैं हम हज करते हैं हम ज़कात अदा करते हैं लेकिन अली का दिल में बुगज़ रखने तो कोई ऐसी नमाज उदी कोई कबूल नहीं कोई रोज़ा कोई हज कोई ज़कात कबूल नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी कदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। वो लोग जिन्होंने ईमान कबूल किया तो चंगे अमल किए उन्हें चंगे अमल करने वाले की मुहब्बत अल्लाह ईमान वाले दिलों में पा देता है।
हजरते गिरामी हजरत मौला अली शेर खुदा हैदर करार रजी अल्लाह तआला अन्हो आपकी मुहब्बत साढ़े दिलों में उजागर है। और वैसे अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहले बैत का जिक्र किया कुरान मजीद के अंदर, तो अल्लाह ने 27 सिपारे के अंदर इशारा तन इन्हों का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया महाराज अल बहरैन अल तकियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान या खुरुजु मिन्हुमा लुलू वल मरजान। अल्लाह ने फरमाया दो दरिया रवान ने, दो दरिया जारी ने, दो दरिया जारी ने। अर्ज़ की थी रब्बुल आलमीन ने दरिया केड़े ने? उलमाए किराम फरमाते हैं कि एक दरिया का नाम मौला अली है, एक दरिया का नाम हज़रत फातिमा तुज़्ज़हरा है, विच बरज़ख अल्लाह का रसूल है, बरज़ख रसूलुल्लाह, बरज़ख अल्लाह के रसूल ने। एक दूसरे दे ज़ियादती नहीं करते, तो जो ये दोवे दरिया आपस में मिलते हैं तो फिर मोती पैदा होते हैं। अर्ज़ की आला मोती केड़े ने? उलमाए किराम ने तफसीर के अंदर लिखा एक मोती का नाम हज़रत मौला हसन है, एक मोती का नाम हज़रत मौला हुसैन है। अजीज़ाने गिरामी कदर अल्लाह ने अगे इरशाद फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, दसो दुनिया वाले अपने रब की केड़ी केड़ी नेमत नूं जुटलाओगे, अपने रब की केड़ी केड़ी नेमत का इनकार करोगे। अर्ज़ की रब्बुल आलमीन क्या मौला अली नेमत ने? अल्लाह फरमाया हाँ अली नेमत, फातिमतु ज़हरा नेमत। और अल्लाह ने त्रीए सपारे के अंदर इरशाद फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमाइज़िन अनिन नाइम, क़यामत दे दिहाड़े नेमता दे बारे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा लोगों को कि मेरिया नेमता दे बारे तुसा नेमता खा के मेरा शुक्र क्यों नहीं अदा किया, फलानी नेमत सी तुहाडे कोल तुसा उहदे ते मेरा शुक्र अदा क्यों नहीं किया। तो अज़ीज़ाने गिरामी कदर ये अल्लाह दियाँ साढ़े ते नेमता ने कि असी इन्हां पाकां दा वसीला पा के दुआ करिए तो अल्लाह साड़ी दुआ कबूल फरमा लेता है। और ये ऐसिया नेमता ने हवा पानी बिजली साढ़े वास्ते नेमता ने, पर असी ये खाने पीने तो रोज़मर्रा दिया शिया इन्हां नाल साड़ी जान बचती है, इन्हां नाल प्यार पाइए तो साड़ा ईमान बच जाता है। अजीज़ाने गिरामी कदर इमाम जाफर सादक आप फरमाते हैं कि हज़रत मौला अली शेर खुदा रब की बड़ी वड्डी नेमत ने। और अलामा काजी सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अली भी नेमत ने, ते अली दी वलायत भी नेमत है। और इदू अगली गल इरशाद फरमाते हैं आप फरमाते हैं कि जदों हज़रत मौला अली दी रूह ज़ाहरी जिस्म विच नहीं आई, आप तो पहले भी जितनियाँ उम्मत आईया ने जितने अगर अल्लाह ने किसी नूं वलायत दीती है तो मौला अली दे वसीले नाल दीती है। और क़यामत तक जिन्हों वलायत मिलेगी हज़रत मौला अली शेरे खुदा आप दे वसीले नाल मिलेगी। हज़राते गिरामी हज़रत मौला अली शेरे खुदा हैदर करार आप दे तवस्सुल नाल साढ़े तो पहले भी वलायत मौला अली दी आलम तो शाही है ना हज़रत मौला अली शेरे खुदा दी, ते आप तो बाद यानी कि क़यामत तक जितने औलिया होंगे सारियां ते हज़रत मौला अली शेरे खुदा हैदर करार रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दे वसीले दे नाल सारी कायनात नूं विलायत मिलेगी। ते इहदा शायर ने अपने अंदाज दे अंदर बड़ा कमाल दा नुक्ता पेश किया। शायर कहिंदा आलम ते शाही हैदर दी, आलम ते शाही हैदर दी, मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दी की शान है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते ने कि मैनू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब करके आख्या ए अब्बास दे बेटे अब्दुल्ला अली दी पैरवी करना ना छड़ी। हज़रते गिरामी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हो कहिंदे ने मैं अर्ज़ कीती सोहणिया अली दी पैरवी करना क्यों ना छड़ा, वजह की है नबी करीम ने फरमाया ए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास माशर दा मैदान होवेगा, नफसा नफसी दा आलम होवेगा, जनाबे वाला पुल से
रात लगिया होवेगा। अली दे कोल जन्नत ते जहन्नम दीआं चाबियां आउणगीआं, हर किसे दा नाम उत्ते लिखिया होवेगा। हजरत मौला अली जिन्नू चावणगे जन्नत विच कलणगे, जिन्नू चावणगे जहन्नम विच तोर देवणगे। हजरत गिरामी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप कहते ने कमली वालिया, हजरत मौला अली दी होर की शान, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला दे बेटे अब्बास मेरे कोल, ऐ अब्बास दे बेटे अब्दुल्ला मेरे कोल जनाबे वाला जिब्राइल ते मीकाईल आए ने, मेरे कोल आके उन्होंने मैनू चाबियां हथां विच फड़ाइया ने। आखिया कमली वालिया महशर दा मैदान सजिया होवेगा, कमली वालिया हजरत मौला अली अपना मिंबर सजा के बैठे होवणगे। हजरत मौला अली जनाबे वाला जहन्नम दे कोल बह के आखणगे ऐ तेराई ऐ मेराई। हजरत गिरामी हजरत मौला अली शेरे खुदा जहन्नम नूं आखणगे ऐ गुनाहगार, इन्ने नबी करीम दा कलमा नहीं पढ़िया, लिहाजा तेरा है, इन्ने मुस्तफा दा कलमा पढ़िया, नबी करीम दा गुलाम है, लिहाजा मेरा। हजरत मौला अली शेरे खुदा फिर असी क्यों ना आखिए अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले नजर की आंख का है तारा अली गिरामी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु आप कहते हैं कि मैंने सोने ने कहा कि महशर के मैदान च हजरत मौला अली शेरे खुदा हैदर करार आप नू अल्लाह चाबियां ता फरमाएगा, और चाबियां उदा दे उते हर जन्नत वाले ते जहन्नम वाले दा जिक्र लिखिया होगा कि इन्हें जन्नत जाना है ते इन्हें जहन्नम जाना है। अजीजा ने गिरामी कदर हजरत मौला अली शेरे खुदा हैदर करार रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दी की शान है। हजरत मौला अली दे कोल ना एक शख्स आया, उन्हें ना बल्कि कुफार सन ते उन्हां दा इरादा सी कि अज जो मर्जी हो जाए। मैं पहला दसिया कि अहले नज़र की आँख का तारा अली अली, अहले नज़र की आँख का तारा नहीं, होली बोलो, वाज़ बार नहीं जानी चाहिए मत को बारो काम खराब हो जाए। अहले नज़र की आँख का तारा अली अली, अली का ना जरा गज बज के लिया करो, बल्कि एक गल समाज फरमाओ, बुजुर्ग बैठे ने ये तस्दीक भी करेंगे कि सन 1965 की जदों लगी ना जंग, 65 की जंग के अंदर की होया कि जनाब साढ़े फौजी भी पोजिशन लेंदे ने ते हिंदुआ के फौजी भी पोजिशन लेंदे ने, ते साढ़े फौजी जनाबे वाला एक कहिंदा अल्लाह नारे तकबीर, दूसरा नारे रिसालत, ते तीसरा कहिंदा नारे हैदरी। वह हिंदू जड़े ना साढ़े फौजियों कह लगे सारे काम करया करो पर नारा हैदरी ना मारिया करो, नारा हैदरी ना मारिया करो। मुसलमानों ने आख्या लम्मियां दाड़ियां वाले सिखियो तुहानू मसला की है, क्यों आंदे हो नारा हैदरी ना मारीए। उन्हें क्या गल है कि जदों पोजिशन लैके तुहाडे फौजी भी ग्रेप करते हैं तो साढ़े भी करते हैं, साढ़े भी इधरों मारन लगते हैं तो तुहाडे भी मारन लगते हैं, तो तुहाडे विचों एक बंदा कहिंदा नारा हैदरी, तो पता नहीं फिर इन्हों की होंगे है, तो साढ़े हाथों में बंदूक थले जा पैंदियां ने। हकीकत बात है साढ़े कोल बंदूक थले डिग पैंदियां ने, लिहाजा तुसीं नारा हैदरी ना मारो। यार जिस हैदर के नाम विच ये कमाल है, जिस हैदर के ना का एक कमाल है, आपकी शख्सियत का की कमाल होगा। अहले नज़र की आँख का तारा अली अली, तुसी जरा फिर ढिले हो जाते हो। अहले नज़र की आँख का तारा इतने को काम रखना है अज, ताकि अज तुसी घर जाओ तो तुहानू भी पता लगे रोज़ा भी रखे असी ते अली का जिक्र करके आए हैं। अजीजा ने गिरामी कदर काफर सन खलोते थे, उन्होंने आख्या कि अज ना मौला अली नमाज नहीं पढ़न देनी,
जो मर्जी हो जाए आ लैन दियो। मेरे मुस्तफ़ा ने हज़रत मौला अली ने फरमाया सी ना आना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा, कि मैं मदीने का शहर हाँ तो अली दरवाज़ा है, दरवाज़ा नंगी है तो फिर शहर में दाखिल होया जाता है। अजीज़ा ने गिरामी कदर काफर कहन लगे कि अज मौला अली नमाज नहीं पढ़न देनी, अज अली साढ़े सवालों के जवाब देगा। तो फिर उन्होंने सवाल तैयार किए, हज़रत मौला अली शेरे खुदा आप कोलू पे लंघते सन तो कहन लगे जी ए मौला अली जी जरा सानू ना तुहाडे नाल थोड़ा जिहा काम है। हज़रत शेरे खुदा ने आख्या जी दसो की गल ने, अहे जी दसो किहड़े जानवर ऐसे ने जिहड़े बच्चे देंदे ने ते किहड़े ऐसे ने जिहड़े आंडे देंदे ने। कुरबान जावां हज़रत मौला अली ने दो जुमलियां दे विच अपनी गल मुकम्मल कीती ते काफर उत्ते खड़ो के मैं कहते ने हज़रत गिरामी हज़रत मौला अली शेरे खुदा कहन लगे ऐ मेरे कोलो सवाल करने वाले हो, मेरे कोलो पुछण वाले हो किहड़े जानवर बच्चे देंदे ने, किहड़े जानवर जनाबे वाले अंडे देंदे ने। आपने फरमाया जिन्ना जानवरां दे जिन्ना जनाबे वाले चीज़ां दे कन्न बाहर हुंदे ने ओह बच्चे देंदे ने, जिन्ना दे कन्न अंदर हुंदे ने ओह आंडे देंदे ने। हज़रत मौला अली शेरे खुदा जवाब दे के तुर गए ने, एक कब्र खलो के एक दो तीन चार कह के गिणी जा रहे ने। हज़रत गिरामी उन्हां नूं वी मन्ना पै गया अहले नज़र की आँख का पै गया कि नहीं वाकई ये जरा मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा दा मिसदाक ऐ मौला अली वाकई उस शहर का दरवाज़ा है। अच्छा वेखो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर ने तो दरवाज़ा मौला अली है, अगर दरवाजे का ये हाल है तो फिर पूरे शहर का की हाल होगा। अजीज़ा ने गिरामी कदर तवज्जो करना, हज़रत मौला अली शेर खुदा हैदर करार रदी अल्लाह तआला आप दे कोल एक दिन जिबरील आए इंसानी शक्ल के अंदर। हज़रत मौला अली दे कोल आके तो कहन लगे ऐ मौला अली सुनिया कि तुसी हर चीज़ तो वाकिफ हो, हर चीज़ की खबर देन देंदे हो। आपने फरमाया हाँ, तो कहन लगे कि दसो हाँ कि इस टाइम जिबरीली अमी कित्थे वे, जिबरील कित्थे वे। हज़रत मौला अली पाक ने अपनी अख बंद की, तहत सुरा सारा जमीनो आसमान सारा वेखिया। आपने फरमाया कि जबरील आसमाना ते भी कोई नहीं ते जमीन ते भी कोई नहीं। आपने फरमाया कि तू ही जबरील ते नहीं, अजी तुहानू किवें पता लगा। आख्या मैं जमीन ते वेख्या मैनू जबरील नज़र नहीं आया, आसमाना ते वेख्या मैनू जबरील नज़र नहीं आया। तो फिर मैनू यही महसूस होया कि जेड़ा मेरे को सवाल करन वाला ना ये जबरील है, ये जबरील है। अजीज आने गिरामी कदर हज़रत मौला अली शेरे खुदा दी शान मैं की बयान करा। आओ मैं आपकी शहादत दी भी चंद बातें करनी हैं। हज़रत मौला अली शेरे खुदा दा ना एक मुरीद है ते तजारत करता है, ताजर है। हज़रत मौला अली पाक दी बारगाह विच आया तो तुहानू पता है असी सुननी आ सानू कदी भी औखा वेला आए ना तो असी कदी चूरा शरीफ तुर जाने, कदी डोंगिया शरीफ तुर जाने। किसी सच्चे नबी करीम सलातो सलाम के गुलाम तो सैयद बादशाह को किसी सच्चे पीर को तुर जाने कि जी सानू है मसला तो साडा जरा मसला हल हो जाए। तो मुरीद सी आपदा तो तजारत करता सी, चलता चलता हज़रत मौला अली दे कोल आया, आके कहन लगा लजपाल मैं तुहाडा मुरीद हाँ। आपने फरमाया तो मैंने पहले ही पता तू मेरा मुरीद है। हज़रत सकी सुल्तान बाहू रहमतुल्ला अलैह आप फरमाते हैं कि जेड़ा पीर अठा पैरों के विच विच एक बार मुरीद की खबर गिरी ना ना करो पीर पीर ही कोई नहीं। अजकल तो माशा इला माशाला पीड़ा ने पीर तो घट हो गए ने हूँ। हज़रत मौला अली शेरे खुदा हैदर करार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल आया ना तो आके कहिंदा हज़ूर मैं तुहाडा मुरीद हाँ। आपने फरमाया मैं जानना मैंने पहले ही पता तू मेरा मुरीद है। अजे तो हजूर जी मैं तजारत करता जे
आपने फरमाया अच्छा फिर अरे जोर मैं तजारत करना ना तो मैनू जंगलों के लंघना पैंदा तो रात भी पै जाती है। आपने फरमाया फिर आंदा जोर जो मैं रात को जंगलों के लंघना ना तो मैनू ना डर लगता तो मैनू परिंदे दरिंदे तंग करते हैं। तो हज़रत मौला अली पाक ने फरमाया फिर इतने हैरानगी वाला चेहरा बना के ना कहिंदा लजपाल नौकर तुहाडा होवां मुरीद शेरे खुदा दा होवां तो डर जावां गल तो नहीं ना फगदी। हजूर मैं तुहाडा मुरीद होवां तो डर जावां गल तो नहीं ना फपदी। आपने फरमाया चाहता की है आंदा जी हजूर मैनू ना कोई मेहरबानी करो तो कोई वजीफा दियो ना मैं वजीफा पढ़ा करा तो ऐ दरिंदे मैनू तंग ना करया करन। आपने फरमाया की करने वजीफा मेरे वाल तक आ जाए। आपने फरमाया की करने वजीफा ऐ लै हाँ ऐ अली दी अंगूठी आ ऐ लै जा तो दरिंदे भी इस अंगूठी का उंज हया करनगे। हुण हज़रत मौला अली पाक दा मुरीद अंगूठी लई ते तुहानू पता जो कोल कुछ होवे फिर टोर बदल जाती है। हुसन जब रब देता है नज़ाकत आ ही जाती है। ये हुण निकले आना तो बड़े टौर में जा रहे हैं जंगल में गया तो अगू शेर आया शेर पब लैके पैन लगा ना तो हज़रत मौला अली दा मुरीद आंदा जरा ध्यान नाल अज कल्ला नहीं आया हाय हाय हज़रत गिरामी हज़रत मौला अली शेर खुदा दा मुरीद आंदा शेर आया अज मैं कल्ला नहीं आया अज मैं अली दी अंगूठी नाल लैके आया वा। रावी लिखदा शेर पिछले पैरी पिछा होया एक नज़र उहदे आसमान वल चुकी एक नज़र जमीन वल रखी उहदे पैरां दे बोसे लैंदा ते कहिंदा होवेगा आउण वालिया अगर तू अली दा मुरीद है फिर सुन लै मैं मैं भी अली दा मुरीद हाँ। अजीजा ने गिरामी कदर वो शेर पिछले पैरी पिछा आया तो अपने लबां नूं हरकत दिती तो मेरा विजदान पूछो तो की कहिंदा होवेगा वो शेर कहिंदा होवेगा मैं मुरीद हाँ अली आपकी किसान आपने ना आपके कोल एक केस आया चोरी का तो आपने ना बंदे का हाथ कटिया आप चोरी साबित हो गई तो हाथ कट कता जो आपने हाथ कटिया ना तो हज़रत सुलेमान फारसी रदी अल्लाह तआला नूं रवायत करते हैं कि वह बंदा मैनू मिलया तो मैं उन्होंने पूछया कि दस भी तेरा हाथ किवें कटिया गया है। कह लगा मेरा हाथ कटिया शेरे खुदा ने वक्त दे खलीफा ने। कह लगे कि तेरा हाथ भी उन्होंने कटिया तो तू फिर भी मौला अली दी तारीफा पिया करना है अजे हाथ कट के जा रहा है तो रस्ते में हज़रत सुलेमान फारसी मिले। हज़रत सुलेमान फारसी चलते चलते हज़रत मौला अली दे कोल आए आके कह लगे लजपाल वह फलाने बंदे का जिदा हाथ नहीं जे कटिया। आपने फरमाया हाँ आख्या तो तारीफा ही बड़िया पिया करता है उची उची बोले सुभान अल्लाह आख्या सोने तो कह रहा मेरा हाथ कटिया वक्त दे खलीफा ने मेरा हाथ कटिया हजरत मौला अली शेरे खुदा जेड़ा हैदर करारे जेड़ा असदुल्लाह अलल वाली में जेड़ा जनाबे वाला बड़ा सखी बड़ा लजपाल मौला अली है मेरा हाथ ने कटिया हजरत मौला अली ने उन्होंने वापिस बुलाया है वापिस बुला के वह हाथ जनाबे वाला बाजू के नाल रख के कुछ पड़ के उत्ते कपड़ा लपेटिया है जो कपड़ा ही उतारिया वह हथ बिल्कुल ठीक हो गया है वह गलिया बाजारा में मर्जी तुसें अपनी करनी है क्योंकि तुसी स्यौड़ा दे हो ना तो मर्जी तुसें अपनी करनी है। हदीसा सुनो तीन फिर तुहाड़ी मर्जी है तुसी अली अली करो तो भावें ना करो फिर तुहाड़ी मर्जी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिक्रुन अलीयुन इबादा मौला अली का जिक्र करना इबादत है पहली हदीस। दूसरी हदीस सियाबा फरमाते ने जदों असा मुनाफक ते आशिक विच फर्क चेक करना हुंदा सी ते जिक्र ही अली करदे सा जिन्हें मौला अली का जिक्र करना खुश हो जाना सानू पता लगना है मुस्तफा का भी गुलाम है ते अली उल मुर्तजा का भी गुलाम है। ते तीसरी गदीरे खुम दे मौका दे उते मेरे मुस्तफा ने ना
हज़रत मौला अली नू फरमाया बुलाया ते हाथ खड़ा करके ना मौला अली दा ए इंज करके फड़ के ते मुस्तफा ने फरमाया मन कुंतु मौलाहू फहाजा अली मौला। आज जो बुजुर्ग टेक लाग बैठे थोड़ा थोड़ा अगे आ जाओ, कोई नहीं कुछ नहीं होता। अजीजाने गिरामी कदर, मुस्तफा ने इंज करके हाथ फड़िया तो फरमाया मन कुंतु मौलाहू फहाजा अली मौला। मैं अगे दस्या मर्जी तुसा अपनी करनी है। मन कुंतु मौलाहू फहाजा अली मौला, पहले नंबर ते मौला अली का जिक्र करना इबादत है, दूसरे नंबर ते आशकां दी अलामत देवे के अली का जिक्र करते हैं, तो तीसरे नंबर ते अगर हाथ चुकया जाए तो चुक के करना मुस्तफा की सुन्नत है। तो फिर हुण तुहाडी मर्जी है कि तुसा मौला अली का जिक्र किवें करना है और सुन्नी किवें हो सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी पूरी ना करे। असी अलहम्दुलिल्लाह मौला अली का जिक्र करके इबादत भी करांगे ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी पूरी करांगे ते मिल के आखांगे अहले नजर की आंख का तुहाडा खुदा जाने। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अली बदबख्त बंदा होवे जिहड़ा तेनू शहीद करेगा। हज़रत मौला अली शेरे खुदा हैदर करार रदी अल्लाह तआला नू आदे कोल एक बंदा आया तो आके सवारी मंगी, सवारी दी आपने, वह चला गया तो हज़रत मौला अली शेरे खुदा ने फरमाया कि ए वो बंदा जिहड़ा मैनू शहीद करेगा, यह बंदा मैनू शहीद करेगा। तो आप दे गुलामा ने इरशाद अर्ज की कि हजूर अगर ये बंदा तुहानू शहीद करेगा तो वक्त आने तो पहले इनू ना मार दवीए, इहदा कम तमाम कर छड़ने आ। हज़रत मौला अली शेरे खुदा हैदर करार रदी अल्लाह तआला अन्हु आप कहने लगे कि इस्लाम के अंदर कतल तो बाद किसास है, पहले किसास कोई नहीं, पहले किसास नहीं बाद किसास लिया जाता है, लिहाजा असी इनू किस जुर्म के तहत कतल करिए। अजीजाने गिरामी कदर, अब्दुर्रहमान इबने मुलजम उदा नाम ये जा रहा, तो इन्हें ना एक गर्द विचों बांसरी वजन की आवाज़ आई इन, तो ये दिल में ख्याल होया कि इत्थे हो रही कोई शादी हो रही है, तो वेखा ना वाला गां जाके कि शादी के कैसा मंजर है। उत्थे गया तो यदि नज़र एक औरत उत्ते पै गई जिदा नाम कतामा, कतामा नामी औरत दे उत्ते दी नज़र पई ना, तो ये उहदे बस इश्क विच पागल हो गया, मगन हो गया, तो उन्हूं बोल के कहन लगा कि तू मेरे नाल शादी कर। कतामा कहन लगी कि तेरे नाल मैं शादी नहीं कर सकती, तो अपने हाथ दे उत्ते नाले तलवार फेरदा ते नाले कहिंदा कि ए अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम तेनू जिंदगी नालों मर जाना बेहतर है अगर तेनू कतामा भी ना मिले, अगर तेनू कतामा नामी औरत ना मिले तो तेरा मर जाना ही बेहतर है। अजीजानी गिरामी कदर, उस औरत ने आखिया कि अगर तू मेरे नाल निकाह करना चाहना तो मेरी तीन शर्तां ने। उन्हें कहा जी दसो, उन्हें कहा कि पहले नंबर ते हक मैर 3000 दिरम मैं लवांगी, 3000 दिरम हक मैर तू मैनू अदा करेगा, ठीक है जी। दूसरी, उस आ गया दूसरे नंबर ते एक लौंडी मेरी खिदमत में रहेगी,
उस आख्या जी तीसरी, उस आख्या तीसरे नंबर ते मौला अली दा सिर लिया के दवेगा। ये आप दा बड़ा दीवाना ते बड़ा आप नाल मुहब्बत करन वाला सी। उन्हें कहा पहली या दो मन लेना, तीजी मैं कोई नहीं मन नहीं। उस आख्या अगर तू तीजी नहीं मननी तो मेरा तेरा निकाह भी नहीं हो सकता। अगर मेरे नाल तू निकाह करना है तो मौला अली दा सिर लैके आना पवेगा। जालम ने दिल च पता नहीं की दलील आई तो कहन लगा कि मैं मौला अली दा सर आपनू मैं कतल नहीं कर सकता। अजीज़ आने गिरामी कदर कतामा नामी औरत कहन लगी कि या फिर इंज कर लै, तलवार मैं देवांगी तो वार तू करना है। इस गल तो राजी हो गया, इक्को ही वार करना है मैं। अगर हजरत मौला अली शहीद हो गए तो फिर भी ठीक है, अगर ना हो तो फिर भी ठीक है। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम इनू कतामा नामी औरत ने जहर के अंदर प्यो के तलवार दी, आख्या जा जाके मौला अली ते वार कर। हजरत मौला अली शेरे खुदा आप जनाबे वाला कूफे के अंदर बैठे ने जामिया मस्जिद के मिंबर ते, ते आप ना पुछते ने कि ऐ शहजादे दसो अज किन्नवा रोज़ है। तो हज़रत इमामे हसन हुसैन कहिंदे ने अबू जी अज 13वां रोज़ है। तो आपने फरमाया बस फिर मेरे जान का वेला करीब आ गया, वक्त करीब आ गया कि मैं हूँ तुहानू दागे जुदाई दे के जा रहा। अजी जाने गिरामी कदर हज़रत मौला अली शेरे खुदा एक रात हज़रत इमामे हसन वाल ते एक हज़रत इमामे हुसैन वाल गुजार रहे हैं। वक्त बस गुजरता जा रहा है। 21 रमज़ान इतवार का दिन आया तो आप सुबह फजर वेले घरों निकले ने, तो रस्ते दे अंदर मैं रवायतों में पढ़िया कि मगराबियाँ आप दे कपड़े खिंच दिया ने, आप दे अगे अगे बतखां दौड़ दिया ने, तो राह डक दिया ने मस्जिद वाल न जाया जे। ऐ मौला अली शेरे खुदा मस्जिद वाल न जाया जे। पर हैदर करार फिर वो सन आप कहते ने जिंद जाती है तो जाए नमाज नहीं कजा होनी चाहिए। हजरते गिरामी हजरत मौला अली शेरे खुदा दे अगे पतखां दौड़ दिया ने, हजरत मौला अली शेरे खुदा मस्जिद में आए ने, आगे जनाबे वाला सुनता नहीं दिया ने। आप रुको दे अंदर गए ने, रुको तो सजदे दे अंदर गए ने। जालम ने आप दी कन पट्टी ते वार कीता है। जद जालम ने वार कीता हजरत मौला अली शेरे खुदा जनाबे वाला जिसम तो हिस्सों में तकसीम होने लगा। हजरत इमामे हसनो हुसैन दौड़ के आए ने, दोवे शहजादे दौड़ के आए ने। हजरत मौला अली वसीयत करदे ने, ऐ मौला अली, हजरत मौला अली वसीयत करदे ने, जदों मैं दुनिया तो जाना है मेरे शहजादियां दीआं सुबहाने ने। हजरत इमामे हसनो हुसैन रोवण गए, बल्कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया सी जदों मौला अली दा इंतकाल होवेगा, हजरत मौला अली शहीद कीते जाणगे, हसनो हुसैन रोवणगे। जिहड़ा हसनो हुसैन दे दुख विच रोवेगा, अल्लाह उहदा बेड़ा पार फरमा छड्डेगा। हजरत गिरामी जालम ने वार कीता है, हजरत इमामे हसनो हुसैन या अबाता कह के रो रहे ने, आंसू बहा रहे ने। पुछो उहनां कोल जिन्हां दे सिर ते बाप कोई नहीं, जिन्हां दे सिर दे मां कोई नहीं। हज़रत गिरामी मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह खड़ी दे ताजदार आप फरमांदे ने, आप फरमांदे ने जनाबे वाला लगियां वाले कद चुपैन जे करी दे, पावे तैये लख दिलासे तुर जावन जिंदा। अजीजा ने गिरामी, अजीजा ने गिरामी कदर हजरत मौला अली शेरे खुदा आप तो जो वार हो ना, तो एक पास हजरत इमामे हसन ने, एक पास हजरत इमामे हुसैन ने कंधा दिता, तो घर वाल लैके आ रहे ने। तो हजरत मौला अली शेरे खुदा दिल में ख्याल करते ने कि इस हालत में जावगा तो मेरिया बेटिया मैं वेख के कि घबरा ना जावन। आपने जनाबे वाला हजरत इमामे हसन ने फिर आके जमात करवाई। 21 रमज़ान मुबारक नू आपका विसाले बा कमाल होया।
एक दिन हजरत मौला अली शेर खुदा आप ना बड़े सख्त बीमार हो गए ते लोग समझे कि बस हजरत मौला अली पाक दा आखिरी वक्त है। तो हजरत मौला अली शेर खुदा कहन लगे कि मैनू इमाम उल अंबिया ने आखिया है अली तू उन्नी देर तक शहीद नहीं हो सक उन्नी देर तक तू तेन मौत नहीं आ सकती जिनी देर तक तेरी सारी दाढ़ी खून के खून नाल तर नहीं होगी। अजीज़ा ने गिरामी कदर हज़रत मौला अली शेर खुदा का जिक्र सुनने वाले हो 21 रमज़ान में हज़रत मौला अली शेर खुदा की शहादत है और वेख्या जाए तो 21 तो बाद तकरीबन 9 दिन बाद या 10 दिन बाद साढ़े को ईद आ जाती है ईद उल फितर। ईद उल फितर खुशी का मौका है ईद वाले दिन खुशियाँ होंदिया ने और वेख्या जाए तो हज़रत मौला अली शेर खुदा का 10वां बंद है। कैसा वो मंजर होगा कि जदों ईद का दिहाड़ा होगा तो हज़रत इमाम हसरो हुसैन आप किवें खुशियाँ मनाते होवे कि बाप का 10वां ईद वाले दिन बने। अजीज़ाने गिरामी कदर मेरे उस्ताद गिरामी भी सारे एक नसीहत करते हैं मैं भी आप अहबाब न नसीहत कर रहे हैं कि सारा दिन तुहाडे बच्चे तुहाडे कोलों जो मंगन लैके दे आ जे तियां नूं माणी आउंदियां ने तियां दा ख्याल रखिया जे बेटियां नाल मुहब्बत करिया जे अपनी बेटियां नूं भी अपनी तौफीक ते इस्तताअत दे मुताबक चीज़ा खरीद के दिया जे सारा दिन खुशियां दा गुजारिया जे। असर दी नमाज़ तों बाद एक बारी एक गिलास पानी दा लै के ते थोड़ा जिहा खाणा लै के हज़रत मौला अली पाक दे नाम दा खत्म पढ़ के दुआ करिया जे वेख्या जे अल्लाह बरकतां किन्नियां देंदा है क्योंकि जिहड़ा शहजादियां दे हज़रत इमाम हसन हुसैन दे गम विच रोवे ना अल्लाह उहदे रोण दा मुल पा छड़दा है। आपने हज़रत मौला अली शेर खुदा ने 21 रमज़ान में 63 साल की उम्र तो बाद विसाल फरमाया और आप दी जिंदगी पढ़ के वेखो आप दी जिंदगी का मुताला करके वेखो कि आपने जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं कि जिस पहलू के अंदर हज़रत मौला अली शेर खुदा हैदर करार रज़ी अल्लाह तआला नूं खिदमात ना होवन ते दुआए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साडा इत्थे मिल बैठना साडे वास्ते नज़रिया निजात बनाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मौला अली शेर खुदा हैदर करार रज़ी अल्लाह तआला नूं आप दे दरजात के अंदर मज़ीद बुलंदियां अता फरमाए और ये रमज़ान मुबारक का चूँकि आखिरी जुमा है तो जुमातुल विदा भी इनू कहा जाता है तो मिल के हो सकता जिंदगी फिर अगू जुम्मा आवे कि ना आवे रमज़ान आवे कि ना आवे जिंदगी का पता तो कोई नहीं ना तो इस वास्ते मिल के अज दे इस जुमे के अंदर असी इस रमज़ान में विदया करिए आइंदा साल फिर इंतजार करिए मिल के आखिए अल्लाह हाफिज़ है रमज़ान तेरा इस माहे सयाम के सदके दे नाल साडी पिछली सारी जिंदगी दे सगीरा कबीरा गुनाहों नूं माफ़ फरमाए आइंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। बेलियो रमज़ान का आखिरी जुमा इस जुमे के अंदर अपने दिल का इरादा पुख्ता करो कि जिंदगी जांदी है जाए
अज तो बाद साड़ी कोई नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, साड़ा कोई रोज़ा नहीं छुटना चाहिए, साड़ी किसी किस्म की इबादत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी चार दिहाड़े पिछले साल रमज़ान के वेखो ना किन्ने सारे संगी साथी है सन, लेकिन इस रमज़ान में कोई नहीं, तो अगों भी कोई पता नहीं कि अगले साल कोई पता नहीं कि इतने किन्ने बैठे होना तो किन्ने नहीं होना, जिंदगी का कोई पता नहीं कि कदों मैनू तुहानू आके इज़राइल ने जकड़ लैना फड़ लैना है। तो अज़ीज़ां ने गिरामी कदर इस वास्ते दुनिया के काम दुनिया ते रह जाने ने, अपनी जिंदगियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारन की कोशिश करो। बल्कि बंदा यूनिफॉर्म दे विच होए ना, वक्त हो गया बंदा यूनिफॉर्म दे विच होवे ना, तो अगर किसी का खिलार के पुलिस वाला चलान करे तो उन्होंने लोग चलान दे के जाते हैं, बगैर वर्दी तो होवे बगैर यूनिफॉर्म तो होवे तो किसी का चलान करे ना तो साई नहीं मान ले। तो मैं तो कबर में जाना जो असी अपने चेहरे से सुन्नत रसूल सजा के जावांगे ना, जो सिर ते इमामा लैके जावांगे ना, जो असी अपनी जिंदगी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन ते आप दे सुन्नत के मुताबिक गुजार के कबर में जावांगे, उदो तेरे मेरे को मुनकर नकीरा सवाल नहीं करना, बल्कि उदो मुस्तफा ने आप ही आके कहना भरा हो जो लभ दा नहीं मुस्तफा का गुलाम आ गया। अपनी जिंदगी इस अंदाज की गुजारो, दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।